क्षेत्रीय संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद संघर्ष समिति सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को क्षेत्रीय सभा प्रधान के खिलाफ संघर्ष समिति के 5 सदस्यों को मारने की फिरौती देने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय संघर्ष समिति संयोजक मोहन सिंह राणा चनालहेड़ी, CPS तंवर, शुगम पाल राणा, तिलक राज राणा शुडपुर व राजवीर सिंह राणा ने कहा कि संघर्ष समिति के आंदोलन से सभा प्रधान इतना घबरा गए हैं कि उसने खुद को बचाने के लिए पिछले 24 घंटों से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोगों को मरवाने की फिरौती तक दे डाली। इस बात से साफ हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति के जिन 5 लोगों को मरवाने के लिए फिरौती दी गई है उनके समर्थन में संघर्ष समिति द्वारा क्षत्रिय सभा प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। साथ ही संघर्ष समिति के सदस्यों ने धरना स्थल पर पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है ताकि धरना स्थल पर बैठे संघर्ष समिति के सदस्यों की सुरक्षा की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धरना स्थल महाराणा प्रताप भवन राजपूत धर्मशाला में पुलिस PCR नियुक्त कर दी है। तिलक राज राणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन के साथ ही सभा प्रधान द्वारा फिरौती देने के मामले से संबंधित सभी दस्तावेज भी सौंप दिए गए हैं। इस मामले में प्रशासन अलर्ट हो गया है और इस मामले की जांच पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों को सौंपी गई है। CPS तंवर ने कहा कि जब तक सभी 1325 लोगों को सदस्यता नहीं मिल जाती तब तक ये धरना बिना डर और भय के बदस्तूर जारी रहेगा। धरने के 24वें दिन गांव पालेवाला जिला यमुनानगर के राजवीर सिंह, संग्राम सिंह राणा, राजवीर सिंह चौहान, महावीर सिंह, अशोक पुंडीर, राणा चंदन सिंह धरने पर बैठे। ज्ञापन सौंपने वालों में सुरजीत सिंह जलबेड़ा, सतीश सुडपुर, नरेश बुस्तला, भूपेंद्र सिंह राणा बीबीपुर, अनिल राणा बीबीपुर, बिट्टू मोहन, सुरेंद्र जलबेड़ा, डॉक्टर वीर सिंह बहादुर सिंह, तेजपाल राणा, संजीव लुक्खी, कुलदीप तंवर, अभिमन्यु तंवर, विक्रम तंवर लुक्खी, अशोक राणा, जब्बर सिंह राहडा, विक्रम फरल, सुरेंद्र सिंह लीला, रणबीर सिंह सुडपुर एडवोकेट, कुलदीप सिंह राणा कला, क्षत्रिय संघर्ष समिति के राजपूत समाज के लोग उपस्थित रहे। धमकियां जो हमें मिली थी और गोली चलाने का जो है ना, उन्होंने कहा था कि कल जो है ना हम गोली चला देंगे, तो उसके संदर्भ में हम जो है ना SP साहब को मिले थे। SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है ना वहाँ सिक्योरिटी भी देंगे आपको, और जिस आदमी ने इस प्रकार की धमकी दी है जो गोली खाई है उस आदमी को जो है ना बुला के हम पूछताछ करेंगे और जो भी सही होगा वो हम करेंगे। आज हमारा धरना क्षत्रिय संघर्ष समिति का 23वें दिन में पहुँच चुका है। जो क्षत्रिय सभा की कार्यकर्मी है वो इतनी बुखला गई है हमारे इस धरना प्रदर्शन से। बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो 5 से 4 दिन पहले बातचीत करने के लिए आते थे, परंतु जिस दिन से हम DR दफ्तर में गए हैं और DR दफ्तर से 107 मेंबरों की जो लिस्ट थी वो वापस यहाँ धर्मशाला में आई है, उस दिन से उनको ये पता लग गया कि भी अब तुम्हारा वर्चस्व यहाँ से सभा से ख़त्म होने वाला है। राजेंद्र सिंह प्रधान, हमको 5 दिन पहले गाँव से थोड़ी खबर मिली थी कि धर्मशाला में किसी भी वक्त कभी भी किसी भी टाइम हमला हो सकता है। हमने इस बात को दरकिनार करके रखा, भाई ये तो अफवाहें हैं, अफवाह उड़ रही है।